हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये स्क्वायर शेप लटकन का पैटर्न शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पीस ले लिया है नेट फैब्रिक का, जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 2.5 इंच की है। उसके साथ मैं यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक भी इस्तेमाल कर रही हूँ सेम साइज़ की। तो इस नेट फैब्रिक को हम लाइनिंग की फैब्रिक पर प्लेस कर लेंगे और चारों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लटकन के दोनों पीसेज रेडी कर लिए हैं, आगे और पीछे के, और लाइनिंग भी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर मैं डोरी फिक्स करूँगी, तो आप कोई भी साइज़ की डोरी अटैच कर सकते हैं। डोरी को आप इस तरह से बीच में प्लेस करेंगे और उसके ऊपर से दूसरा वाला जो साइड है वो प्लेस करके सिर्फ 3 साइड्स पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है तीनों साइड्स पर। उसके बाद हम कॉर्नर्स पर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगा लेने के बाद हम इसे बाहर की तरफ फ्लिप करेंगे। अब बाहर फ्लिप कर लेने के बाद हम इसके अंदर या तो कॉटन, आप चाहें तो इसमें कॉटन फिल कर सकते हैं, या कोई भी बची हुई फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस कट करके आप उससे भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग कर लेने के बाद ये जो हमने एक साइड जो खुली छोड़ी थी उसे आप या उस पर हेमिंग कर लें या आप उस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं हेमिंग कर ले रही हूँ उस पर। तो अभी हमारा बेसिक स्क्वायर शेप रेडी हो गया है। अब इस पर मैं बीड्स अटैच करूँगी। तो यहाँ मैं 3 डिफरेंट साइज़ की बीड्स इस्तेमाल कर रही हूँ और ये गोल्डन टैसल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक कॉर्नर पर मैं सिंपली एक गोल्डन बीड अटैच कर ले रही हूँ। फिर उसकी ऑपोजिट साइड पर भी मैं सिमिलर बीड अटैच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों ऑपोजिट साइड्स पर बीड अटैच कर ली है। अब ये जो तीसरा साइड है यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट टाइप्स की बीड्स अटैच करूँगी और उसके साथ टैसल भी अटैच कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने सारी बीड्स और टैसेल अटैच कर लिए हैं। उसके बाद जो फाइनली सबसे बड़ी बीड है वो मैं इस डोरी के अंदर से पास कर लूँगी। तो ये हमारा स्क्वायर शेप लटकन बहुत ही इजीली बन के रेडी हो गया है। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।